Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा जी, अब ये प्लगइन आ गया। इसके अंदर आपके सामने जी के 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। आप सिर्फ, अच्छा सॉरी, ये इंस्टॉल मैंने किया और था, मैंने गलत इसको सिर्फ एक्टिवेट करना था। लेकिन चलो, ये प्लगइन है जिसको आप यूज़ करके ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो। मैंने अभी गलती से जरा इसको अपडेट कर दिया। इसको जाके बस एक्टिव करेंगे तो लेफ्ट बार के अंदर हमारी जो ये वू कॉमर्स की ऑप्शन आ जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप जो भी प्लगइन या कुछ भी इंस्टॉल करोगे उसकी ऑप्शन इधर लेफ्ट साइड पर आती जाएगी। यार ये टाइम लेगा अपडेट होते। एक्चुअली इशू ये है कि नेट अपडेट किया है तो नीचे वाले पोर्शन में नेट है, भी ऊपर जो है वो नीचे वाले के सिग्नल आ रहे, तो ऊपर का सेटअप करना भी टाइम लगना उसके लिए, तो मैं ऊपर बैठा हुआ था, नीचे मेहमान काफी आए हुए थे। चलो जी, अपडेटेड हो गया। मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, मैं अपने इंस्टॉल प्लगइन्स में जाता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में जाने के बाद मैं आज बस बियर कर लो, आज लास्ट क्लास है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मौका ही नहीं मिलेगा। यार ये आगे जाके देख ले कि स्ट्राइप भी पेमेंट मेथड होता है, जिसका पेपाल है, इसी तरह स्ट्राइप होता है, इसी तरह एक और था, मुझे उसका शायद नाम भूल गया, स्ट्राइप था और इस तरह दो और पेमेंट मेथड थे। अच्छा मैं इधर से आता हूँ, ये मेरे इंस्टॉल प्लगइन था, आगे मैं इधर से जाके देखता हूँ जी वू कॉमर्स, मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक जनरल सा सेटअप आ गया जी वू कॉमर्स का, कि आप इसको कैसे, वो आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, आप सिंपली आंसर करते जाओ। लाइक अब वो पूछ रहा है आपकी लोकेशन क्या है, ये ऐड करना लाजमी नहीं है। लाइक आप इसको नीचे अगर आप आते हो तो इधर से आप आके नोट राइट नाउ भी कर सकते हो, लेकिन बजाय इसके बाद में जाके खुद ऐड करोगे उससे बेहतर है आप इस तरह खुद ही इधर से ऐड करते जाओ। लाइक लेट्स सपोज अगर आपका स्टोर यूके में, कहते हो यूके में, इधर आपने ब्ला 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 एड्रेस लिख दिया, एड्रेस 2 लिख दिया, इधर सिटी में, एक काम करता हूँ मैं ऊपर जाके पाकिस्तान कर देता हूँ, जाके ये पाकिस्तान आ गया। देन मैंने इधर लाहौर लिख दिया, देन मैंने इधर अपनी स्टेट चूज कर ली जो कि पंजाब है, और देन मैंने जिप कोड लिख दिया 54000। करेंसी, अब वो मुझसे पूछ रहा कौन सी रखो जी, मैं कहता हूँ यार चलो हम अगर लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान में ही ऑपरेट कर रहे तो देन आप पाकिस्तानी रुपी कर सकते हो, पाकिस्तानी रुपी कर दिया। अब वो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू प्लान टू सेल। अब जो मोस्टली आप लोकल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करते हो, इवन या फिर ड्रॉप शिपिंग के जो भी स्टोर्स होते हैं उसके अंदर आपका डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट क्या, लाइक ई बुक हो गया, कवर्स हो गए, फोटोज होगी, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो। अगर लेट्स सपोज आप सेल कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आई विल सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर दोनों करें तो दोनों चूज कर सकते हो। मोस्टली जो आप करोगे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स करोगे। लाइक मेरे ख्याल से सर हैदर काजी की क्लास में काफी बच्चे तो वो आजकल काफी पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं इसकी, टी शर्ट्स की कर रहे होते हैं, उसके अलावा वुमेन ड्रेसेस की कर रहे होते हैं, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में आती सारी। उसके अलावा आई विल ऑल्सो बी सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस इन पर्सन, इसको छोड़ दो आप देते हो, लेट्स गो। अब आगे आ गया पेमेंट मेथड। अब इसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो इसके अंदर अब जो मोस्टली इंटरनेशनली यूज होते हैं वो होते हैं पेपाल, स्ट्राइप, उसके अलावा एक और था यार मुझे उसका नाम भूल गया, उसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में होता है वो मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी होता है। ऑनलाइन जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर आपका कैश ऑन डिलीवरी नहीं यूज होता है। अब देखना आप जरा वॉइस ठीक होगी होगी, अब ठीक है जल्दी से कमेंट करना जरा, आवाज ठीक है अब यार, कोई बंदा कमेंट कर देता जल्दी से।
जी सर, वॉइस आपकी ठीक है, कंटिन्यू जी। चलिए ठीक है, तो अब ये आपके सामने आ गया जी कि आपने बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर पेमेंट, आपकी। चलिए गुड, आपने पेमेंट मेथड कौन सा चूज करना है। तो उसके अंदर जो मोस्टली हम पाकिस्तान में लेके चलते वो कैश ऑन डिलीवरी लेके चलते हैं, या फिर अगर आप, अब मसला बड़ा किस जगह आता है, अगर मैं बैग जाता हूँ अंदर से तो मैंने जाके पहले अपनी लोकेशन पाकिस्तान चूज कर ली थी, अगर मैं अपनी लोकेशन पाकिस्तान चूज नहीं करता, मैं कोई और चूज करता तो वो पेमेंट मेथड की मुझे और भी ऑप्शन देता। एक मिनट जरा, बस हो रहा है यार लोड, आज बेयर कर लो, एक्सट्रीमली सॉरी आज के लिए। तो ये मुझसे पेमेंट मेथड पूछ रहा है, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम ऑफलाइन कस्टमर्स। अब ये मुझे ये तीन ऑप्शंस क्यों दे रहा है, क्योंकि आपका जो पाकिस्तान है उसके अंदर ऑप्शंस ये आ रही हैं, एडिशनल पेमेंट मेथड, लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है, उसके अलावा चेक, चेक पेमेंट है, चेक पेमेंट क्या है, चेक के थ्रू पेमेंट, सिंपल ऑफलाइन गेटवे दैट लेट्स यू एक्सेप्ट अ चेक एज अ मेथड ऑफ पेमेंट, तो इससे आप उसको कर सकते हो। देन आपका बैंक ट्रांसफर है, तो ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुझे यही शो कर रहा है, अगर मैं यूके यूएस वगैरह चूज करूंगा तो वो मुझे पेपाल की ऑप्शन भी देगा। तो मैंने किया, मैंने कैश ऑन डिलीवरी करके ओके किया, कंटिन्यू किया। अब इधर आ गया जी कि वो मुझसे पूछ रहा है कि शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, तो उसके अंदर क्या चीज है जी कि आप, लेट्स नॉट कवर अदर जोन। अब एक तो पाकिस्तान के अंदर है शिपिंग, लाजमी नहीं है कि आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही अपने प्रोडक्ट को भेजना है, आप एक ही कंट्री के अंदर भी, लाइक पाकिस्तान के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह शिप कर रहे हो, तो उसके अंदर वो पूछ रहा है कि फ्री शिपिंग करोगे या फिर फ्लैट रेट करोगे। अब लेट्स सपोज एक बंदा पाकिस्तान में सेल कर रहा है, और पाकिस्तान में सेल करने के ऊपर उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 200 रुपीज आती है जी, शिपिंग कॉस्ट। तो अब मैंने यह कर दिया जी कि मैंने कर दिया कि फ्लैट रेट का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स आपका रेट वेरी नहीं करेगा, लाइक अगर आपका लेट्स सपोज 5 kg का प्रोडक्ट है, 10 kg का है, 20 kg का, जितने भी आपका प्रोडक्ट जितना भी लार्ज साइज का हो या स्मॉल साइज का हो, आपका जो रेट है वो वेरी नहीं करेगा, तो इसका मतलब फ्लैट रेट का इशू इसका मतलब ये। और फ्री शिपिंग का तो आपको मैंने बता दिया कि टोटली फ्री शिपिंग होगी। उसके अलावा वो कह रहा है लोकेशन नोट कवर्ड बाय योर अदर जोन। अब इसके अंदर क्या आ रहा है जी के अगर लेट्स सपोज अगर आप बाय शिप करते हो आप किसी और कंट्री में, तो आप इधर फ्री शिपिंग भी कर सकते हो, आप फ्लैट रेट, अब वो आपकी अपनी मर्जी, अकॉर्डिंग टू आपकी जो डिटेल रिसर्च होगी कि यार मेरा इतने का प्रोडक्ट है जो मुझे कॉस्ट मार्केट से पड़ी है, उसके अलावा जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो मेरी इतनी है, और जो मेरा शिपिंग कॉस्ट है वो मेरी इतनी है, उसके बाद जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो डेफिनेटली जो आपकी कंबाइंड कॉस्ट है उससे तो ज्यादा ही होगी आपकी सेलिंग कॉस्ट, तो आपने ये शिपिंग वेस्ट रेट को खुद एडजस्ट करना होता है। उसके अलावा ये आपके सामने आ रहा है कि सेट अ फिक्स प्राइस फॉर कवर शिपिंग कॉस्ट, मैं इसे ऑफ भी कर सकता हूँ, मैं इसे ऑन भी कर सकता हूँ। तो इधर से मैं आगे जाता हूँ जी के ये मुझसे पूछ रहा है कि यू विल यूज, आप कौन सा यूनिट यूज करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ऑन्सिस, जो भी आप यूज कर लो। और उसके अलावा जरिए देखते हैं अभी, तो उसके अलावा आप ये अपना ये चूज कर सकते हो कि सेंटी में, मिली में, फॉर अ प्रोडक्ट वेट, आप उसकी डायमेंशन इस तरह चूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी इधर भी मैंने फ्लैट रेट रख दिया, 500 रख दिया, मैंने कंटिन्यू किया। अब ये मेलचिम का शायद काफी को पता होगा, मेलचिम क्या होती है कि एक यूजर लेट्स सपोज अगर आपके पास आके अपनी डिटेल्स एंटर कर देता है तो मेल चिम्प में उसकी डिटेल्स जाके स्टोर हो जाएगी, लाइक या काइंड ऑफ ईमेल कैप्चरिंग होती है कि पाकिस्तान में तो चीज इतनी नहीं होती, लेकिन अगर आपने कभी नोट किया हो तो आप दराज से अगर कोई चीज या प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो आपको बार बार कॉन्टेक्ट करते हैं, लाइक कोई भी इवेंट आया, 20% ऑफ सेल, 30% ऑफ सेल, तो वो आपको कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो थ्रू जो ईमेल कैप्चरिंग फॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू करते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैंने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म एंटर कर दिया, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल कौन सी दिखाऊं, हाँ, अब लेट्स सपोज अगर ये वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने अपनी अगर एक ईमेल फॉर्म एंटर कर दिया जिससे मैं
लोगों की ईमेल कैप्चर कर सकते हो। इसके अंदर दो चीजें, या तो अगर आपको कोई बंदा मेल करता है तो वो आपके जो आपने ईमेल एड्रेस अपना ऐड किया वो उस पे जाएगी, लेकिन अगर किसी बंदे ने डीवी सही तरह यूज किया, मैंने जो आपको बताया था, तो उसके अंदर एक होता है ईमेल कैप्चर की ऑप्शन, उसके अंदर वो आपसे पूछता है कि आपने ऑटो रिस्पोंडर कौन सा चूज करना है, तो उसके अंदर आपकी ये मेल चिम की ऑप्शन भी होती है। तो अगर कोई बंदा इस जगह पे अपनी डिटेल्स फिल करेगा तो बजाय वो आपके ईमेल पे जाए वो आपके मेल चिम पे जाएगी। अब मेल चिम पे वो ऑटो रिस्पोंडर आप उसको ऐसा यूज कर सकते हो कि उसके अंदर वो डिटेल्स आती जाएंगी, एक बंदे की मेल आ गई, दूसरे की मेल स्टोर होगी, इस तरह मेल एड्रेस सारों के स्टोर हो जाएंगे। तो अब लेट सपोज मैं कहता हूँ यार दराज के पास इस तरह मिलियन ऑफ पीपल के ईमेल एड्रेसेस होंगे, तो हम सपोज करते हैं कि 14 अगस्त आती है, उनकी 50% ऑफ सेल चल रही है, तो आपको टेक्स्ट भी आता है आपको मेल भी आती है। वो मेल किस तरह आती है कि वो जाके हर बंदे को इंडिविजुअली मेल नहीं करते, वो सिंपली जाके मेल चिम के अंदर या कोई भी ऐसा ऑटो रिस्पोंडर जिसके अंदर AUBER यूबर एक और नेम है जो बड़ा बड़ा नाम है, मेल चिम्प आपका नाम है, इस तरह काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म है, तो वो जाके ऑटो रिस्पोंड करते हैं आपको। तो आप इधर मेल चिम्प की डिटेल एंटर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने कंटिन्यू किया, अब ये आ गया एक्टिव। जेट पैक का सारों को पता होगा, अगर किसी बंदे को नहीं पता तो जेट पैक जो है वो आपके स्टेटिस्टिक्स को मेयर करता है, आप गूगल एनालिटिक्स को भी यूज कर सकते हो उसके लिए, और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो गूगल एनालिटिक्स बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। उसके अलावा काफ़ी पेड सर्विसेज भी आती हैं जो एनालिटिक्स को मेयर करती हैं। मैंने कंटिन्यू विद जेटपैक किया और रेडी मेरा वूकॉमर्स का जो सेटअप था वो रेडी हो गया। हो जा भाई, कमोन यार, यार 2 मिनट वेट कर लो, एक्सट्रीमली सॉरी यार जितना आपको बियर करना पड़ा। आज ही कनेक्शन चेंज हुआ है तो ऊपर वाले पोर्शन में कनेक्शन एट द मोमेंट नहीं है, सिर्फ इश्यू ही है। स्टूडेंट्स मैं आपसे एक न्यू क्लास का लिंक भी शेयर कर रही हूं, नेक्स्ट क्लास का, तो वो भी आप लोग सेव कर लीजिएगा। ओके, उमर मुबीन सर की कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है, उन्होंने भी आपको ई कॉमर्स बड़ी डिटेल में पढ़ाया होगा। ये जेट पैक पे आ गया यार, इसे यूज नहीं करना, इसे बैक करते हैं। उमर मुबीन सर की कौन कौन सा बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, कंटिन्यू विद जेट पैक नहीं करना है, बस ठीक है। अब ये जेट पैक अटैच करने कह रहा है कि स्किप कर लें, ठीक है, वो स्किप की ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ यार, वो नजर नहीं आ रही। अच्छा ये स्किप दिस स्टेप है, ठीक है सॉरी। अच्छा जी अभी रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप अपना बेशक टिप्स गाइड, अगर आप अपनी ईमेल एंटर कर देते हो तो वो आपको टिप गाइड दे देगा, अगर आप नहीं करते हो तो ऐसे ही आपको बार बार तंग करेगा, तो ना ही दो तो बेहतर। अब अगला स्टेप क्या है जी, क्रिएट सम प्रोडक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम इसे छोड़ते हैं, हम सीधा जाते हैं विजिट डैशबोर्ड। अच्छा जी अब ये हमारा आ गया डैशबोर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि यार आप कोई भी प्लगइन ऐड करोगे तो वो आपका लेफ्ट साइड पे आपका आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा, जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। अब हमारा ऑनलाइन
क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।